नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 7 प्रो वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 11 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो स्पार्क 7 प्रो में 6.49 इंच जबकि हॉट 11 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो स्पार्क 7 प्रो में 0.35 इंच जबकि हॉट 11 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो स्पार्क 7 प्रो में 20:9 जबकि हॉट 11 में 20:5:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन स्पार्क 7 प्रो में 720x1600 और हॉट 11 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्पार्क 7 प्रो में 83.7% जबकि हॉट 11 में 83.8% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो स्पार्क 7 प्रो में 266 पिक्सेल प्रति इंच जबकि हॉट 11 में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो स्पार्क 7 प्रो में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और हॉट 11 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो स्पार्क 7 प्रो में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और हॉट 11 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G52MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो स्पार्क 7 प्रो में MediaTek Helio G80 और हॉट 11 में MediaTek Helio G70 मिलता है। बात करें RAM की तो स्पार्क 7 प्रो में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि हॉट 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो स्पार्क 7 प्रो में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि हॉट 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो स्पार्क 7 प्रो में अप टू 512GB जबकि हॉट 11 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी स्पार्क 7 प्रो में 5000mAh जबकि हॉट 11 में 5200mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 4 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो स्पार्क 7 प्रो में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹10,999, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹12,490 में मिलता है। और बात करें हॉट 11 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,999 में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो स्पार्क 7 प्रो में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है।
जबकि बात करें इन्फिनिक्स हॉट 11 की तो उसमें 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में स्पार्क 7 प्रो आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में स्पार्क 7 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21 है, दूसरा LG W31 Plus है, तीसरा Lava Z2 Max है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C25 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।